साई फिल्म क्रिएशन के बैनर तले निर्मित की जा रही सुपरस्टार विनय आनंद और कृष्ण कुमार सारर भोजपुरी फिल्म भोजपुरिया में दम्बा की शूटिंग दशहरा के शुभ अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना करके की गई। इस फिल्म का शुभ मुहूर्त उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के ओम सिद्धि विनायक गेस्ट हाउस में स्थित शिव मंदिर में किया गया। इस फिल्म की शूटिंग बस्ती के विभिन्न रमणीय स्थलों पर की जाएगी। फिल्म के कुछ हिस्सों का दृश्य प्रयागराज व लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में की जाएगी। इस फिल्म में केंद्र भूमिका में सुपरस्टार विनय आनंद है। नमस्कार, हम बानी विनय आनंद और आप सभी लोग के नवरात्रि दशहरा के बहुत बहुत शुभकामना। और आज हम आइल बानी बस्ती डिस्ट्रिक्ट में यानी उत्तर प्रदेश में, और आज हम बहुत खुश बानी काहे कि आज हमार सिनेमा के मुहूर्त भइल है और सिनेमा के नाम है भोजपुरिया में दम्बा। तो इसमें कवन शक ना है कि भोजपुरी में दम होखेला और बहुत दम होला, और यही खातिर आज हम ही आइल बानी शूटिंग करे खातिर आयल बानी भोजपुरिया में दम्बा के बस्ती में। खान साहब ने इसे प्रोड्यूस किया हुआ है और हमारे हेमराज जी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और बहुत बढ़िया डायरेक्टर बाड़े। और हमारा पास जब ये अहली स्क्रिप्ट सुनावे खातिर तो हमरा के लागल के हाँ वाकई में इस स्क्रिप्ट में भी दम्बा। इस सिनेमा में हमारे दूगो रोल बाटे, एक तो बाप के भी रोल हम करत आनी और बेटा के भी रोल हम करत आनी। तो बहुत मजा आई हमरा के, हम खुदे एक्साइटेड बानी काहे कि हमके दो दो करेक्टर निभाए के है और साथ ही साथ हमरा साथे एक और ही एगो हीरो बाटे जे हमार छोट भाई के रोल करत आनी। उनका नाम सिनेमा में है पवन है और असल में उनका नाम कृष्णा है। तो बहुत खुशी के बात है। और रूपा सिंह हमार हीरोइन बाड़ी और ही एगो हीरोइन बाड़ी, हमके नाम मालूम नहीं थे काहे कि आज हाँ श्रुति याद आ गए, श्रुति दूसर हीरोइन के नाम श्रुति है। और हम खुश बानी काहे कि ये दोनों जो हीरोइने हैं ये इनके अंदर एक अलग ऊर्जा है, एक नई ताजगी है और हमारे भोजपुरिया दर्शकों को नया नया ताजगी की आवश्यकता होला हमके मालूम बा। भरपूर मजा आई काहे कि अच्छा हीरोइन होता है तो गाना भी और अच्छा लगता है। और बाकी तो हम लोग हैं। उनके छोटे भाई की भूमिका में सिनेस्टर कृष्ण कुमार है। गरीबों के बीच जूझते हुए अपने फर्ज को निभाते हुए समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी पूरी करने वाले दो भाइयों की ये कहानी है। इसके डायरेक्टर हेमराज जी हैं। हेमराज जी करीब 1.5 साल पहले मेरे पास आए कि मुझे एक फिल्म करनी है आपको लेकर के। तो मैंने कहा कि क्या स्क्रिप्ट है, क्या कैसे है। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट अब शुरू किया हूँ, फिल्म बनाऊंगा 1.5 साल के बाद। जो आदमी स्क्रिप्ट पे कम से कम 1 साल 1.5 साल समय देगा तो ये लगेगा कि एक एक सीन पे वो वर्क कर रहा है, खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं। तो स्टोरी उन्हीं की है, वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं और प्रोड्यूस भी वही कर रहे हैं। तो 1.5 साल पहले हमारे पास आए और बोले कि ऐसी ऐसी कहानी है। कहानी सुना तो एक शॉकिंग हुआ कि एक अलग हट के कहानी है। ये जो बल्गरिटी सीन जो होते हैं फला 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 ऐसे ऐसे मैं सुनने को मिलता है, इसमें इस तरह की कोई सीन्स ही नहीं मुझे उन्होंने बताया। और स्क्रिप्ट मैंने आज पढ़ा, आज क्या करीब 5 दिन पहले मैंने पढ़ा, तो कहीं ऐसा सीन मिला नहीं मुझे। तो बहुत खुशी हुई कि इस कोरोना काल में एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर एक इतनी बड़े लोगों के साथ कैनवास के साथ फिल्म बना रहे हैं। तो दिल से सलूट करता हूं ऐसे डायरेक्टर का और मैं चाहूंगा कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए जो भोजपुरी का स्तर नीचे जा रहा है उसको ऊपर उठाने के लिए। लॉकडाउन के बाद तो आई थिंक मैंने पारो से शुरुआत किया 22 तारीख को, उसके बाद भोजपुरिया बलमा एज ए हीरो मैंने फिल्म किया। फिर अभी कल्लू जी के साथ प्यार के देवता करके कल ही लौटा हूँ और आज से ये भोजपुरिया में दम्बा एज ए हीरो ये भी फिल्में कर रहा हूँ। 4 फिल्में लॉकडाउन के बाद मैंने कर लिया। यह फिल्म संपूर्ण पारिवारिक रिश्तों पर आधारित है। यह फिल्म एक्शन, इमोशन, रोमांस और रोमांस से भरपूर है जो कि पूरे परिवार के साथ देखने लायक है। उल्लेखनीय है कि भोजपुरी फिल्म भोजपुरिया में दम्बा के निर्देशक हेमराज वर्मा हैं। कॉन्सेप्ट हेमराज वर्मा का है। छायाकांत ओम मिश्रा, नृत्य विवेक थापा, मारधार दिनेश यादव, कला सौरभ मिश्रा का है। लाइन प्रोड्यूसर जितेंद्र गुप्ता जीतू है। फिल्म प्रचारक रामचंद्र यादव है। फिल्म के मुख्य कलाकार विनय आनंद, कृष्ण कुमार, रूपा सिंह, श्रुति राव, छाया सिंह, संजय पांडे, मनोज टाइगर, शक्ति कपूर, रजा मुराद, रागिनी, एजाज खान, पीयूष श्रीवास्तव, मनोज, अजय सूर्यवंशी, मोहित कुमार, आशुतोष आशु आदि हैं। शक्ति कपूर साहब हमारे डायरेक्टर हेमराज जी ने सोचा है कि वो इसमें अच्छा रोल निभाएंगे। साथ ही संजय पांडे जी इसमें हैं। संजय पांडे जी हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े विलन हैं, मेरे भाई हैं। और संजय पांडे और हमने बहुत सिनेमा किया साथ में। मनोज टाइगर हैं जो कि हमारे भोजपुरी की जान हैं,
वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस हैं। मनोज टाइगर की हमारी पिक्चरें बहुत आई और मेरा भाई है मनोज टाइगर, मैं बहुत प्यार करता हूँ उन्हें। संजय पांडे को बहुत प्यार करता हूँ और शक्ति दादा के साथ भी, शक्ति कपूर जी आओ आओ उनके साथ बहुत बार आओ आओ किया है हमने, मतलब काम किया हुआ है, हमारे मामा ने भी किया हुआ है उनके जैसा। तो खैर वो एक सीनियर कलाकार हैं बॉलीवुड के और उनके साथ काम करते हुए हमेशा हम लोगों को सीखने ही मिलेगा, सीनियर हैं वो और हमारे सिनेमा के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि शक्ति कपूर जी भी हैं। तो संजय पांडे एक इतने बड़े एक्टर, शक्ति कपूर, मनोज टाइगर, तो ये सब अच्छे कलाकार हैं हम लोगों के और फिल्म की सजावट अच्छी है क्योंकि करेक्टर्स अच्छे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भोजपुरिया में तो दम बा, इस सिनेमा में भी दम होई। यह उम्मीद के साथ हम आज ये सिनेमा के शुरुआत करतानी। हम अपन जनता जनार्दन से यह प्रार्थना करतानी कि रउआ लोग इस सिनेमा के जरूर थिएटर में देखें और अपन स्नेह आशीर्वाद विनय आनंद के साथ ऐसे ने बना के रखें और इस सिनेमा पे सिनेमा के रउआ लोग भरपूर प्यार दें। यह हमार अपन भोजपुरिया दर्शक लोग से प्रार्थना है। ने बताया कि हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों के आत्मसात करती हुई यह फिल्म रूटीन फिल्मों से काफी अलग है। यह फिल्म भोजपुरी को बढ़ावा देने वाली साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस फिल्म की कहानी पर मैंने 1.5 साल तक वर्क किया है, तो जाहिर सी बात है कि फिल्म की कहानी काफी अलग व दिलचस्प होगी, इसलिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारों को लेकर फिल्म बना रहा हूं। इस फिल्म की शूटिंग में ओम सिद्धि विनायक गेस्ट हाउस के जावेद खान का बहुत ही सराहनीय योगदान दे रहे हैं। फिल्म की पूरी टीम पूरे मन से शूटिंग में है। उम्मीद जताई है कि यह फिल्म हर वर्ग के दर्शकों को खूब पसंद आएगी।